प्यार थोड़ा लाल हो जाता है ना, फिर ज्यादा प्यारा हो जाता है। नहीं ऐसे ठीक है। अच्छा मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सारा लाल होता फिर अच्छा बन जाता। चलें जी वेलकम करते हैं आपको नए व्लॉग के साथ। हाँ और इधर हमारा आज नई चीज भी आ चुकी है जो गर्मियों की सौगात है। गर्मियों की सौगात नहीं होती, गर्मियों के लिए एक बेहतरीन सा। वही तो मैं कह रही हूँ, गर्मियों में इसकी रोटी जो है इतनी ठंडी होती है कि बस क्या बताएं। यहाँ पे इतनी ठंडी होती है कि आपको एसी की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे जितने भी घर हैं सब ही तंदूर की रोटियां खाते हैं, तो सिर्फ हमारा वाहिद घर है जो तवे की रोटी खाते हैं हम। मैं और समीना से। तो गर्मियों में वो क्या है, अगर तंदूर नहीं भी होता ना वो बनवाते हैं, स्पेशल बनाते हैं और मेहनत करते हैं और फिर तंदूर पर रोटी लगाते हैं और वो खाते हैं। तो हम भी कभी कभी जब आ जाती है किसी के घर से तो वो हम तंदूर की रोटी खा लेते हैं, तो वरना हम फिर तवे की खाते हैं। हाँ ख्याल करना, इनको तोड़ना देना। मैं बना देता हूँ ये, इसके अंदर भर देता हूँ मिट्टी या सीमेंट। हाँ। फिर आप ऐसे ऐसे ना ऐसे क्या करो। हाँ ठीक है, ऐसे करते रहो फिर या फिर दस दिन चार पाई पे पड़ी रहूं। ऐसे क्या करो। अब ये कौन पेंट ले आए हो? हाँ। अच्छा या फिर ऐसे क्या करो। या फिर ये वाले काम आप ही, आपको अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगेंगे। ये सूख चुका है, पानी डाल के उसका अंदर गुजारा कर रहा है ये। आप लोगों ने सुखाया है, पानी का डालते ना तो ना सूखता। ये देखो ये हाल है इसका। नहीं बात सुनो, पेंट आप करते रहे, आपका काम है इसके अंदर पानी भर के रखना, हमें क्या पता है इसमें पानी भरना है। जब पानी डालते हैं फिर भी हमारे ऊपर ये अजाब आता कि तुम लोगों ने पानी डाल के खराब कर दिया। डालते तो फिर ये सही रहता, खराब ना होता। अभी ये खराब हो चुका है। हाँ चलो आप उधर रंग वगैरह करवा लो ना। हाँ तो अभी जो है अच्छी अच्छी माशाल्लाह से हवा चल रही है और हमने सोचा है कि आज अच्छी अच्छी हवा से जो है अपना व्लॉग बनाएं और आपको एंजॉय करवाएं कि आज हम क्या चीज बनाएंगे और यहाँ पे कौन सी चीजें जो है आज हम आपको दिखाएंगे। अच्छा आप सब आपने हमारे साथ रहना है, आप सब ने ये भी बताना है कि लुक कैसी लग रही है अभी। हाँ माशाल्लाह से लुक तो बहुत प्यारी लग रही है, बताना है ठीक है ना? लेकिन अभी जो है ना वो हमने जालियां भी लगानी है और काफी सारा मतलब अभी सफाई वगैरह भी करनी है, काफी काम है। तो उसके बाद जो है वो हम जो है आपको लुक दिखाएंगे, क्योंकि मिट्टी का काम इतना होता है ना मुश्किल। पहले एक दिन मिट्टी भिगो के रखो, फिर दूसरे दिन लगाओ, काफी दिन हो जाते हैं। अब ये देखे ये चूल्हा जो है हमारा हमने बनाया है, इस पे भी हमें काफी दिन लग गए हैं और इस पे अभी हमने बनाना है। इसके लिए हमने वो मिट्टी जो है वो लेके आए हैं, कल लेके आए थे, ये पड़ी हुई है। तो अभी इसको भी भिगो के रखेंगे। बकरियां भी बाहर चर रही हैं, चराने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे खड्डा जो किया है ना गढ़ा, ये वाला, इसमें डाल के ना फिर इसमें पानी डाल देंगे। तो ये चूल्हा तो हम कल बनाएंगे, आज जो है जो पेंटिंग बच चुकी है वो हम इंशाल्लाह करेंगे और वो आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैर से होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी खैर से हैं और हमारी दुआएं हमारे देखने में जहाँ भी रहें खुश रहें, बाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो जी अभी अहमद नया काम कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये घड़ों को बहुत ही चमका रहे हैं, मैं तो कहती हूँ दुनिया के सारे घड़े इसको ला दूं और ये ऐसे चमका चमका के उनको वापस करता रहे। वापस तो नहीं करूँगा फिर। ये जो दे जाएगा फिर उसकी भूल होगी कि ये मैं वापस करेगा। एक घड़ा हमारे छत पे भी पड़ा हुआ है, वो नहीं लेके आए। हाँ यार वो भी पड़ा हुआ है। चलो वो इधर लगाएंगे हम, वो लकड़ी का। हाँ लकड़ी लगाएंगे ना जो टंगना होता है। हाँ उस पे हम फिर वो लगा देंगे। हाँ चलें, ये तो हमारे चमक धमक रहे हैं, देखे मोबाइल में कैसे चमक मार रहे हैं। अभी रेड पेंट करूंगा ना इनको, फिर देखो। अभी फिर क्यों रेड करना है, ये अच्छे लग रहे हैं, बस छोड़ो इनको। नहीं इनको इनको। अच्छा वो यार मैंने उल्टा रखा है, आपने इसको सीधा कर दिया, मेरी सही इसको लग गई है। बंदे तो मैंने वहाँ पे चारपाई रखी हुई थी और यहाँ पे मैंने रखी हुई थी थोड़ी सी दाल भुनी। तो ये होती है यार, कोई बात नहीं। सारे हमारे बहन भाई पढ़े हुए पढ़े लिखे भी हैं और कुछ पंजाबी भी हैं, वो पंजाबी समझते हैं, पढ़े लिखे पंजाबी भी हैं।
ये देखें जी, ये हमारे पास है दाल, ये मैं थोड़ी थोड़ी सी चख भी रही हूँ, साथ साथ जो है वो हम काम भी कर रहे हैं और काम करने में मज़ा भी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से ना। और नीचे देखें काफ़ी सारी, यहाँ पे धूप भी है और यहाँ पे साया भी है, ऐसे ना हम ज़्यादा खा गए, थोड़ी थोड़ी खाओ। और ये आज ये तंदूर भी लगाना है कि ये कल लगाएंगे? तंदूर किसी को बनाएंगे, मुझे तो नहीं आता लगाना। हाँ मिट्टी, क्योंकि यहाँ पे ना मिट्टी की भी जरूरत होगी फिर, और थोड़ी सी मिट्टी आएगी, 3-4 तगारियां आएगी बस। अच्छा, कि आंटी को या किसी को बुलाते हैं वो हमें लगा देगी। हाँ, क्योंकि मैंने कभी तंदूर नहीं लगाया, मेरी सिस्टर को भी लगाना आता है। हाँ, तो इस वजह से ना फिर पता नहीं मैं लगा सकती हूँ कि नहीं। ये बड़ा तंदूर लिया, हालांकि छोटी से तंदूर होता है, छोटा सा है, सबसे छोटा यही है, सबसे छोटा ये जो हमारी साथ वाली बाजी ने लगाया, वो तो निक्का सा छोटा सा था, 3 रोटियां उसके ऊपर आती थी। चलो फिर उससे भी बड़ा होगा शायद। ये बड़ा है, मैं बता रही हूँ ना, ये बड़ा है। चलो कोई बात नहीं, इतना ही काफी है। वो ना हमारे घर के साथ वाली बाजी ना, वो छोटा सा उसने तंदूर लगाया हुआ जमीन के नीचे, तो खड्डा करके ना लग जाता है। हाँ, तो उसने ना जमीन के अंदर गढ़ा करके तंदूर अंदर लगा दिया, और फिर जब रोटियां वगैरह बनानी होती थी तो वो पका के फिर उसके ऊपर जो है कवर कर देती थी, जमीन के अंदर ही था बिल्कुल वो ना, तो मिट्टी की भी जरूरत नहीं पड़ी, गढ़ा करके उसने अंदर उसके अंदर दबा दिया, लगा दिया। नहीं, तो बाहर रोटी भी वो पकाती थी और सालन भी उसी के अंदर पका लेती थी। तो जब ये बल डालते हैं ना, क्या कहते हैं, लकड़ियाँ डालते हैं, तो ये आग तेज होती है और उस पर सालन बना लेते हैं। जब आग बुझ जाती है तंदूर पे, तो उस पे फिर रोटी बना लेते हैं। हाँ। तो ये भी ऐसा करना ना। आपको तो रोटी पकाना ही नहीं आती तंदूर के ऊपर। अच्छा, कोई बात नहीं, सीख ही जाता है इंसान। सीखना ठीक है, करने से इंसान को होता है, मैं कोशिश तो करती हूँ। ये देखे यार, हम ये काम देखे, ये पता नहीं क्या इसने लगा दिया। चलो उसको इकट्ठा करके रख के आओ, आज हमने इसको कहीं नहीं जाने देना। याद है आपको कल जो इसने सारा दिन रुलाया, ये आज इसकी स्कूल रजिस्टर भी आ जाएगा, रजिस्टर पे ना ये स्कूल का काम लिखेगा, छुट्टियों का जो इसकी टीचर ने दिया हुआ है। तो मैंने इसे कहा कि आज बाहर नहीं जाना बिल्कुल भी, आपने ना स्कूल का काम स्टार्ट कर देना है। इसको आज ही बाहर जाने देती हूँ, मैं तो नहीं जाने देता। मैं कहती हूँ बच्चे होते ना, चलो खेलता है कुछ, इंजॉय करता है बच्चा, घर में बंदे घर में बच्चे को कैद करके रखना भी अच्छी बात नहीं है ना। यहाँ पे रख दिया इसने घड़ा, और यहाँ पे येलो कलर कर दिया था, कल मैंने नहीं दिखाया था, पता नहीं इसने दिखाया कि नहीं। मैंने दिखाया था, मैंने कहा था कि आपने यहाँ पे भी करना है इसके ऊपर ना, यह प्यारा लग रहा है। यहाँ पे जितने भी हमारे जो हैं बस्ती वाले साथ साथ, वो हमारा किचन देखने के लिए आते हैं। वो कहते हैं ये कौन सा किचन आप लोग बना रहे हो, इंटरनेशनल चिकन किचन। वो जब ना क्या करते हैं, यहाँ से ना सुराख है ना हमारे दरवाजे के, वहां से नीचे से झांकते रहते हैं कि ये देखिए अब कौन सा नया कारनामा करके गए हैं। दरवाजा बंद होता है तब। हाँ, जब हम नहीं होते ना, तब वो हमारे घर में ना झांकते रहते हैं कि देखते हैं कि आज ये कौन सा नया कारनामा सर अंजाम देंगे। तो हम ना हंसते हैं, जब नीचे से देख रहे होते हैं ना सुराखों से, हम देख लेते हैं कभी कभी, तो फिर हम हंसते हैं। वो कहते हैं, फिर वो हंस के कहते हैं कि हम देख रहे थे कि आज कौन सा काम आप लोगों ने किया है। मैंने कहा हाँ, तो हमारा जो, क्योंकि हमारा काम है व्लॉगिंग का, तो हमने जो है नए नए टॉपिक बनाने होते हैं, तो हमारा हमें मज़ा भी आता है और हमारा घर भी अच्छा बन जाता है, तो इस वजह से हम कोई ना कोई काम निकाल के वो करते ही रहते हैं। अब नीचे हम ना, ये मिट्टी हमारी अच्छी होती ना, फिर ये मज़े का। देखें अब मिट्टी लगाई भी है तो सारी उफड़ी पड़ी है। अब फिर कहाँ पे उफड़ी पड़ी है? ये नीचे वाली, ये फर्श वाली। हाँ, ये तो ठीक हो जाएगी अभी, क्योंकि हम सफाई, आपने पहले गलती किया, आपने इसको पहले लिपाई कर दी, पहले सारा काम कर ले तो उसके बाद एंड में इसको लिपाई कर, एक बार और लिपाई कर देंगे, या फिर 2 किलो व्हाइट सीमेंट ले लेंगे 40 रुपए की, नीचे बिखेर देंगे व्हाइट सीमेंट, वो उतरेगी नहीं फिर, वो नहीं उतरती, अच्छा बन जाएगा उससे। देव, ये कलर की डब्बी कितने की है? ये सस्ती है, तो खेली आपको बताऊंगा फिर, आप ऐसे करोगे जाहिर सी बात है।
ये है बस बीच में की भी है बस। ये हमारी है थी घर में, पता नहीं कहाँ हमने फेंक दिया। आपकी लापरवाही है ना। मेरी लापरवाही नहीं, मुझे लगता है कि ये काम लगा दिया है इसने। नहीं लगाया यार, आप तो आज आपने चूल्हे को भी करना है। देखो चूल्हा जब देखते ना हम पेंट किए हुए होते हैं, कितने प्यारे लग रहे होते हैं। इसको करूंगा आज मैं। ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लगेगा हमारा। देखो इसका भी इसको अब डिग्गी चलना शुरू हो गई है और शोर कितना आ रहा है। ऐसे ना ऐसे ऐसे आपकी आपकी मैं आज खत्म करवा के रहूंगा। बात सुनो, जो आदत इंसान की पड़ जाती है ना वो बड़ी मुश्किल से जाती है। एक आदत पहले भी आपकी थी, वो फिर अक्सर बहनों ने कमेंट किया, माशाल्लाह वो खत्म हो चुकी है। देखो ना अब ये आदत भी ऐसे खत्म हो जाएगी आपकी। हाँ। देखना कल तक आप ये कहोगी नहीं अल्फाज ऐसे ना। सिर्फ आज का दिन है। दरवाजा अब अच्छा लग रहा है, ऐसे ना खर्चा तो दरवाजे ने करवाया है। ऐसे ना कह दिया। ये इंशाल्लाह अच्छा बन जाएगा। ये फ्रेम खर्चा तो बहुत करवाया है इसने। किसने? दरवाजे यार ने। ये 100 रुपए की पूरी है, यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे मैंने किया, उधर भी मैंने किया, इधर भी मैंने किया, अभी आधी बाल्टी बची हुई भी है। ये लाल कलर, ये लाल कलर कितना, देखो थोड़ा सा मैंने बनाया है, उधर सारा पेंट किया, दो घड़े भी हो गए, वो दिखाओ घड़े जाकर। अभी मैं आपको घड़े भी दिखाती हूँ, वो देखें। ये हमारे 4 ग्लोब हो गए हैं अब। पाकिस्तान के 4 नक्शे बन गए हैं, हमने बना लिए घर पे। यहाँ पे भी इसने कर दिया है, ये देखें। ये पाकिस्तान का नक्शा नहीं होता, ये दुनिया का नक्शा होता है। हाँ, और यहाँ पे भी कर दिया है और वहाँ पे भी कर दिया। ये देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। अब मैंने अहमद से कहा कि अब इस मिट्टी को भी चूल्हे को भी कर दो। अब ये पेंट खोल के रख गया है, फिर ये गिरेगा नीचे, फिर ये हमारे साथ हो जाएगा कि तुम लोगों ने ख्याल ही नहीं किया। क्या हुआ? मैंने कहा पेंट वहां पे खोल के रखा है। फिर कौन सा पेंट? लाल कलर का। वो मैंने अंदर रखा है नीचे, वहां कौन जाएगा? फिर भी क्या मतलब, अंदर जाकर लत मारो कैसे? क्या अरहम का पता है ना, हरकती है, शरारती है, भागता रहता है इधर उधर। मुझे पानी यार, वो नीचे पड़ा हुआ है अंदर, वहां पे कौन जाएगा? स्लेब के अंदर पड़ा हुआ है। सारा दरवाजा लाल हो जाता ना फिर ज्यादा प्यारा हो जाता है। नहीं ऐसे ठीक है। अच्छा मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सारा लाल होता फिर अच्छा बन जाता। ऐसा अच्छा लगेगा आप भी देखना कुछ देर बाद। वैसे ऐसे अच्छा भी लग रहा है। कैसे? ऐसे भी अच्छा लग रहा है। मैंने कहा वही तो मैंने कहा है कि ऐसा अच्छा लगेगा। अभी फ्रेम को पैर और पेंट करेंगे तो फिर देखना। ये कुंडे को भी कर देना, ये ऊपर जो कुंडी खड़ी हुई है ना इसको भी कर देना। ये ऐसे ना फिर जंग खा जाएगा इसको, लोहे की है ना। काट दूंगा तो इधर अहमद अरहम बैठा हुआ है चारपाई के ऊपर मजे से। आज माशाल्लाह इसने बाहर जाने का नाम नहीं लिया। ऐसे ना अभी तो सुबह हो रही है, क्यों उसको कह रही हूँ? तो भाग जाएगा। नहीं नहीं वो कहेगा मेरी तारीफें कर रहे हैं, अब किसको यहाँ से। अपनी जाएगा ये, इसको पता है अब मुझे आज मुझे ये लगाएंगे। कल के इनको गुस्सा आया हुआ, रात को ये आया था शाम को लेट, तो मैंने इसे कहा कि सारे बच्चे घर में बैठे हैं अपने, तो आप हो के घर पे नहीं हो। यही तो बात है ना, अब इसको कौन समझाए। चले जी हमारा माशाल्लाह ये साथ, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है हमारा कूलर। कूलर भी हमारे कूलर लाल रंग है ना कूलर के अंदर, तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये भी कूलर की जगह बनाएंगे कहीं और पे, तो वहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे। छोड़ दो इधर आ, जो टूट जाएगा। अहमद के पास में इतने पैसे होते हैं कि वो अंदर ही नहीं ठहरता, बाहर सर निकाल के खड़ा रहता है कि कोई मुझे उठा के ले जाए।
पर्स के अंदर, मैंने कहा इतने पैसे होते हैं अंदर ही नहीं ठहरता। वो कहता है मुझे कोई उठा के ले जाए। आप उठा कर लेके जा सकती है, और तो कोई नहीं जेब में आता सकता मेरी। बस करो, जिसने उठाने हुए ना उसने पता ही नहीं लगने देना आपको। मेरे पास कौन से पैसे होते खाली है देख लो। हाँ तो ये अंदर वाली साइड नहीं करनी, अंदर चूल्हे वाली, अंदर वाली साइड नहीं करनी, बाहर वाली करनी बस। अच्छा तो अंदर से ये बिल्कुल ही सिंपल लग रहा है। अंदर से कैसे क्या करेंगे ये वाली साइड पे, किस लिए करेंगे? अंदर से किस लिए करेंगे? मैंने कहा वैसे बुरा लग रहा है कि करना है कि नहीं। पीला पेंट पड़ा है, अंदर से मार देंगे बस। वैसे अंदर से करने की क्या जरूरत है? नीचे तो ना गिराओ यार, देखो नीचे कितना गिरा दिया। वो ब्रश ऐसा है ना। देखो लाल कलर भी बहुत प्यारा होता है ना, इसलिए तो मैं कह रहा था कि ढूंढो लाल कलर कहाँ गया मेरा। हमारे घर से कोई चोर उठा के ले गया लाल कलर। नहीं आपको इतना नींद होती है कि बाहर से कोई बंदा आया नाम उठा के ले गया। पता नहीं अब था भी कि नहीं, मुझे अब इतना पता नहीं। मैं तो खुद तो लेके आया हूँ। तो हमारी सब्जियां भी मैंने कहा आपको दिखा दूं, वहां पे हुई नहीं है सब्जियां हमारी, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप लोगों ने उगाई ही नहीं थी वहां। हां देखे ना, आप भूल गए थे वो क्यारियां। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि वहां पे हमारा, हम सोच रहे हैं कि कोई और बीज लेके ना फिर लगा दे। वो सब कह रहे हैं आप ना कपास का बीज अब लगा दो। मैंने कहा थोड़ी सी छोटी सिस्टर ने बताया था कि दो केले हम भूल गए हैं, दो केले हम भूल गए। आपने कहा नहीं 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 भूले, वो सच कह रही थी। आपको जहन नहीं था, उसने जहन लाया हुआ था कि हमें कहाँ कहाँ उगाई है। हम जैसे डिग्गी चल रही है, मैं कहती हूँ पानी अंदर दे दे इनको, ऐसे ना। किसको? सब्जी को। कैसे दोगे पानी? बाल्टी भर भर के। साथ डिग्गी चल रही है तो पानी बहुत ठंडा और मजे का होगा। बच्चे यहाँ पे गर्मी होती है ना, लाइट होती नहीं है, फिर भाग आते यहाँ पे, सारा दिन नहाते रहते हैं। ऐसे ना अरहम, अरहम भी वहाँ पे नहाता रहता है सारा दिन। अरहम आज नहीं जाना आपने, आज आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है? वो देखो कौवा आ गया वो नीम को खाने के लिए, जाओ। तो अरहम के मैंने अहमद से काफ़ी दफ़ा कहा कि इसके कपड़े ले आओ, क्योंकि फिर ईद आ जाएगी ना साथ, तो फिर ना काफ़ी मतलब दर्जी लेंगे ही नहीं कपड़े सीने के लिए। अगर ले भी लेंगे तो फिर बहुत महंगे सी के देंगे। तो इसके मैं कह रही हूँ अहमद को आप कपड़े ले आओ इसके, लेकिन अभी इसको अपने किचन की पड़ी हुई है कि मैं किचन बना लूँ जल्दी से। पीछे हटो, हम यहाँ पे पेड़ सूख चुका है ना अब। चूल्हा हमारा माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है, ऐसे ना। इसको कचरे का बनाओ। अब देखो प्यारा लग रहा है चूल्हा। मैं कब से इसे कह रही थी आप इसको ना पेंट करना। अब जब ये पेंट हो जाएगा, साफ सुथरा होगा, इसमें आग जलाने को ही नहीं दिल करेगा। जला लेना, क्यों नहीं दिल करेगा? हाँ क्योंकि फिर हम सोचेंगे कि ये काला हो जाएगा, खराब हो जाएगा। काला नहीं होगा, अंदर से काला होगा, बाहर से जो काला होगा। मट्टी जो चूल्हे बनाते हैं ना चूल्हे, वो मट्टी उनकी बड़ी जबरदस्त होती है, वो चिट्टी मट्टी होती है, बिल्कुल सफेद है ना, उसको तैयार किया जाता है मिट्टी को। हाँ बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अब तो ये खत्म हो चुके हैं मट्टी वाले चूल्हे ना, खास तौर पे ज्यादातर गाँव में बनाते हैं लोग, शहरों में ज्यादातर। तो अब गांव वाले भी ज्यादातर सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं गैस वगैरह। नहीं नहीं बनाते हैं चूल्हे, हर कोई सिलेंडर थोड़ी इस्तेमाल करता है। तो जिनकी लकड़ियां अपनी है वो तो फिर कुछ कम बनाते हैं, लेकिन जिनकी लकड़ियां अपनी नहीं होती ना वो फिर बनाते हैं ऐसे। वो फिर चुन चुन के इस्तेमाल करते हैं लकड़ियां। जिनकी लकड़ियां अपनी नहीं होती ना वो फिर चुन के चुन लेते हैं। हाँ। या फिर वो ओपले होते हैं ना जो, जिसको हम गोबर कहते हैं, गोबर के वो बनाते हैं। हाँ। इस बॉर्डर को भी हमने कर दिया है ऊपर वाले को, कुछ मैंने किया कुछ अहमद ने किया है।
इसको मेरा जो है वो काम पसंद नहीं आता, तो ये मुझे कहता है मुझे दो मैं खुद कर लेता हूँ। हालांकि मैं मेहनत करती हूँ, अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि अच्छे से। हाँ, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं ना मेहनत करूँ, अच्छा अच्छा काम करूँ, लेकिन फिर भी जितना इंसान खुद कर सकता है ना, ये पेंटिंग का काम मैं इतना कलर नहीं करती हूँ, मुझसे ना ये फिर मैं करती भी हूँ ना तो नीचे आ जाता है काफ़ी कलर, ना बह जाता है नीचे। तो ये जो है इसको करने का तरीका आता है अहमद को, तो ये ज़्यादा करता रहता है। चलें, जितना मुझसे होता है मैं उतना अपनी तरफ से करती हूँ, तो बाकी अहमद करते रहते हैं। अब हो गया हमारा कलरफुल, कलरफुल है ना किचन। हाँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। फिलहाल अभी कुछ सफाई की ज़रूरत है इस पे ना। सफाई करके ना, काम मुकम्मल करके फिर सफाई करेंगे। हाँ, सफाई हम जितनी कर लेते हैं फिर कचरा हो जाता है, फिर पानी अगर हो ना यहाँ पे फिर मज़ा है। पानी नहीं है ना यहाँ पे, फिर अभी थोड़ी सी मसला होता है यहाँ पे, तो पानी, अब पानी लग गया ना यहाँ पे पानी का सिस्टम, फिर जल्दी जल्दी से थोड़ा सा छिड़काव लगा के बंदा झाड़ू लगा लेता है। वहां पे भी इसके ऊपर भी मैंने किया है थोड़ा सा, यहाँ पे इसके ऊपर कलर करके इसके ऊपर हमने घड़ा रख दिया है। और ये भी कर लिया, ये भी मैंने आपको दिखाया है चूल्हा हमारा। अभी ये साइडों से करना है, ये वाली साइड से ना, ये वाली साइड अभी ठहर गई है तो इसको करना है। ये वाला कलर वैसे प्यारा है, यहाँ पे भी कर दो, यही वाला, इसके ऊपर जो ठहर जगह खड़ी हुई है। मट्टी का तेल नहीं है क्या? वही मैं कह रही हूँ, उसके ऊपर भी यही कलर कर दो। देखे कितनी मेहनत होती है, ब्रश को धोएगा फिर इसमें डालेगा। तो ऐसे लगा दो, इसमें क्या है, वो उसमें लगाऊंगा वो पेंट खराब हो जाएगा, तेज हो जाएगा, ग्रीन बन जाएगा वो। अच्छा, कुछ नहीं होता, इतने का क्या होता है, बस करो, पर मट्टी का तेल जाया हो जाएगा। मट्टी का तेल को देख रही हो, वो जो कलर की टोन चेंज हो जाएगी वो उसको नहीं देख रही है आप? कलर सारा नीला सब्ज हो जाएगा, अभी तो वो पीला है ना। उसमें ब्लू लगाऊंगा तो फिर सारा कलर सब्ज हो जाएगा, फिर वो लेमन लगाने का क्या फायदा, वो तो ग्रीन हो जाएगा। ये हमने लगाया ना इसके ऊपर, यही वाला मैंने कहा कलर इसके ऊपर भी लगा दो, ये प्यारा लगेगा। अभी जो सामने वाला फ्रंट है इस पे भी लगाना है कलर। कौन सा सामने वाला फ्रंट पे, गोल जहाँ पे चूल्हा लकड़ियाँ डालने की जगह, यहाँ पे। हाँ,